सो गाइस अभी 26 किलोमीटर पहले हैं और मौसम काफ़ी बर्स हो गया है, बादल बिल्कुल सिर पे। इधर देखो पहाड़ के, अगर आपको देख पा रहे होंगे तो बादल हैं बिल्कुल सिर के ऊपर और बिल्कुल चिल्ड हवा लग रही है। तो मैंने सर्दी वाले ग्लव्स नहीं लाया क्योंकि इतने थे नहीं, और अभी वो दूसरे वाले हैं वो निकाले हुए हैं क्योंकि चलाना पड़ रहा है मैं साथ ही साथ, तो उसमें इशू होता है थोड़ा सा चलाने में। बट अभी हाथ देखो बिल्कुल लाल हो गया ठंड में। सो गाइज दैट इज़ पोखरा, बहुत दूर जो दिख रहा पोखरा, और मौसम बहुत ख़तरनाक वाला हो गया। तो बादल बादल देख लो। फटाफट उतरते हैं नीचे, 25 किलोमीटर बाकी हैं और धूल बहुत है यार। हाईवे है पूरा नेपाल का, और मेरे को लग रहा है कि काठमांडू जिससे हम कल जाने वाले हैं वो भी ऐसा ही कुछ है, किसी ने बताया था, वो भी धूल भरा है पूरा। कल तो यार बहुत कुछ पहन के चलना पड़ेगा ऊपर यार, इतना गंदा धूल ही धूल खा रहे हैं साला पूरा। मैं ग्लव्स वापस पहन लिए, ठंड लग रही थी, कुछ तो प्रोटेक्शन हो गई इनसे। ये देखना ऐसी मिट्टी हो ना फिर भी दिक्कत नहीं है, वो मिट्टी में पानी डाल दे रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिट्टी में पानी डाल देते हैं ताकि धूल ना उड़े, और वो है चिकनी मिट्टी। और भाई साहब उस पर बाइक चलाना मतलब ना, इतना स्लिप हो रहा था उस पर बाइक, मेरे को पता है मैंने कैसे निकाली है। सो गाइस दिस इज़ द न्यू रूट। ये कुछ ज़्यादा ही खड़ा रोड है, शॉर्टकट है ये एक्चुअली। वो रोड बना नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इसलिए हम इस रूट से जा रहे हैं। गूगल भी यही रूट दिखा रहा था सुबह भी, बट हम श्योर नहीं थे तो इसलिए हम नहीं गए। बट अब देखा तो बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहीं से जा रही हैं, जो पीछे मुक्तिनाथ वगैरह साइड से आ रही थी, तो सोचा इसी से चलते हैं। देखते हैं अब कितना फ़र्क पड़ेगा इस रूट पे। और वाइज़र की तो बैंड बची पड़ी है, बिल्कुल मिट्टी जम गई है बिल्कुल ऊपर। वाइज़र के ना क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। और यहाँ पे भी देखो लोग, इतना पतला रोड है यार, कैसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेक है ऊपर भी, देख पहाड़ के पानी इकट्ठा किया हुआ बेसिकली ना। कोई बच्चे देख कैसे लेके जा रहे बच्चे, तो ऊपर है। Is it? ये ना इससे पीछे रखना पड़ेगा, ये कहीं भी रोक के खड़ा हो जाता है, ये आगे निकालने के चक्कर में रहता है। आगे वाला ये स्कॉर्पियो वाला, और एकदम ब्रेक मारेगा फिर, तो आगे निकलने के चक्कर में रहता है ये। रहने दो, आगे मैं तो जा ही नहीं रहा इससे आगे भाई, कोई रेस लगाएगा। ये देख, ये देख, अब फिर निकलने की कोशिश करेगा, नहीं अब निकल जाएगा इस बार, नहीं तो आगे से कुछ आ जाए फिर वही ब्रेक मार लेगा एकदम। ऐसे ही ऊंचाई पे ओवरटेक कर रहा था और एकदम मार दिया ब्रेक, चल पीछे वाले की लग जाती है। निकलता है, क्या करें। वो दिखेगा नहीं अब, चल लो, मौसम खराब है। लिखा है इंडियन भी है कोई। हाँ क्या उधर। हाय, यू आर फ्रॉम कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली, या so you are done Muktinath? Same, we are not going. We are just returning back from the Kushma. You have gone to Kushma bridges, then you should have back to Pokhara. You are going Lumbini then. Actually, then we will be going to the Kathmandu first. We came from Kathmandu. Okay. Actually, we entered from the Uttarakhand side because there was some issue due to the Ayodhya. Oh. So guys, look at the Pokhara view. ये पूरा पोखरा है, वो वहाँ पे एयरपोर्ट है, वो दिख रहा है वहाँ पे हमारा होटल हो रहा है, वो जो वर्ल्ड जिसमें आप घूमे थे। सो दिस इज द लेक। इधर पूरा ड्राई पड़ा है बट इधर थोड़ा फिर भी पानी है। वो है वर्ल्ड पीस, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से पूरा पोखरा दिख रहा है, एकदम ब्यूटीफुल व्यू है। और बादलों रखे हैं अच्छे खासे। So guys, we reached Pokhara. Now we are going toward Devi Falls. देखते हैं अगर खुला मिल गया तो कर लेते हैं फटाफट, सुबह ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, हमें काठमांडू निकलना है सुबह। तो लेट्स सी कि खुला मिलता है कि नहीं मिलता, नहीं तो नहीं मिला तो फिर अपना जाके रूम पे सोएंगे और क्या।